चैनल मम्मी की रसोई। कैसे आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आज फिर से मैंने कैमरा पकड़ा है क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि फोकस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी देखने में, क्योंकि जब मम्मी सामान यूज करती हैं उनका ठीक से फोकस नहीं आ पा रहा था। तो फिर से मेरे हाथ में कैमरा आ चुका है, अब से मैं ही रिकॉर्ड करूंगी और मेरे ही हाथ में रहेगा। तो फिर चलिए मम्मी के पास चलते हैं, मम्मी से पूछते हैं आज मम्मी क्या बना रही है। नमस्कार, आज मैं एक और आपको मसाले के लिए बता रही हूँ जो कि बहुत टेस्टी होता है और बहुत आसानी से बन जाता है, वो है चना मसाला। चने मसाले के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच जीरा, 1 टेबल स्पून हींग, 1 टेबल स्पून अजवाइन, 10 से 15 ये काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी तोड़ के लिए रखी है, और 3 से 4 तेज पत्ते, और ये 4-5 बड़ी इलायची के दाने मैंने निकाल के रख लिए हैं। थोड़ी सी लिया मैंने सौंफ, 1 चम्मच मोटी सौंफ है ये, थोड़ा सा करी पत्ता है, अमचूर पाउडर, काला नमक और हींग। तो अब इनको इन सबको हम करेंगे ड्राई रोस्ट। तो इसके लिए मैंने पैन गरम कर लिया है। पहले मैं जीरे और अजवाइन को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। वैसे तो इन सबको आप मिला के भी ड्राई रोस्ट करते हैं, आम करी पत्ता और ये बाद में करेंगे रोस्ट। इन सबको मैं मिला देती हूँ क्योंकि इनको पीसना हमें मिक्स करके। तो अभी मम्मी ने करी पत्ता नहीं डाला है, सौंफ करी डाल पत्ता दिया। और ये नहीं डाला अभी मैंने तेज पत्ता, करी पत्ता और तेज पत्ता नहीं डाला है, और सौंफ वगैरह डाल दी मम्मी ने। आज एक फर्स्ट लेयर में हींग, ये हींग मम्मी डाल रही है इसमें। आपको ड्राई रोस्ट करना है, इसको हल्का सा हमें भूनना है, और अगर हल्का सा गोल्डन सा हो जाए ये कि खुशबू आने लगेगी। और अभी हमने कोई नमक नहीं डाला है, खटाई और काला नमक, क्योंकि खटाई और काला नमक आपको ठंडा करने के बाद डालना है, नहीं तो वो पसीस जाता है नमक। जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसको पीस लेंगे, तो हम इसमें नमक और अमचूर पाउडर मिक्स करेंगे। यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, इसमें घी तेल कुछ नहीं डाला है। इसे आप बना के रख लीजिए, एक शी उसमें जार में या कोई छोटी आपकी बॉटल है उसमें बना के रख लीजिए, और जब भी आप चने बनाएं छोले बनाएं उसमें 1 चम्मच आप डालिए। जैसे आप टमाटर प्याज भूनते हैं जब आपको ग्रेवी उसकी तैयार करते हैं घी में, तो घी में पहले ये मसाला डाल लीजिए, उसके बाद आप टमाटर प्याज लहसुन अदरक जिसका भी आप शौक उसके साथ आप भूनिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/1 चम्मच आप ऐसे डाल सकते हैं। ये देखिए ये भून चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। ये भून गया, डाल रही है करी पत्ता, इसे भी हल्का सा ड्राई रोस्ट करूंगी मैं, हल्का सा भून जाएगा। मैंने अभी पीछे सांबर मसाला और कड़ी मसाला, चाट मसाला, और आज मैं बना रही हूँ चना मसाला। और अभी मैं थोड़ी देर में लाऊंगी गरम मसाले की वीडियो कि आपको उसमें कितना कौन कौन सा सामान और कितना कितना डालना है। अगर आप उस अनुपासी गर्म मसाला बनाएंगे कि हमें कितना कितना सामान लेना कौन कौन सा, तो वो गर्म मसाला बहुत अच्छा बनता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो वो वाली वीडियो भी मैं थोड़ी देर में तैयार करूंगी, लेके आऊंगी वीडियो। तेज पत्ता हम कब इसको, बस ये हो जाए उसके बाद तेज पत्ता, क्योंकि ये नरम है, इसके पत्ते वो थोड़ा सूखा हुआ है तो वो दिक्कत आएगी। थोड़ा सा भून देंगे तो अच्छी तरह से पीस जाएगा, ये आपका खराब भी नहीं होगा। अगर आप बिना भुने पीसेंगे इसे तो ये जल्दी खराब होने वाला रहता है, इसको हल्का सा आपको भून के। हम इन मसालों के साथ ये करी पत्ता नहीं भून सकते? नहीं, ये क्योंकि ये एकदम से भूनता है, ये जल जाएगा हल्का। और अगर हम उसके साथ इसको डाल देंगे तो मसाला कच्चा रहेगा और ये पत्ते जल्दी भून जाएंगे। कच्चा डाल दे सकते हैं क्योंकि मसाला खराब होने का डर रहता है, इसमें नमी होती है, कर सकते हैं। अब मम्मी ने इधर तेज पत्ता डाल दिया है, ये वाले मसाले हमारे, देखिए ये वाला भून लिया मम्मी ने, देखिए अभी वाला मम्मी भून रही है। थोड़ा सा ही करारा हो जाए क्योंकि नरम सौ रही है,
उनके इनका जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इस टाइम, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी सब्जी मसालों की जो हमने बनाए। बस इन्हें हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर से पीसेंगे। जब चने छोले बनाए तो इस मसाले को डाल के देखिएगा, आपको अपने आप ही उनकी टेस्ट में फर्क लगेगा। ये भी भून गया हमारा, हल्का सा हमने इसे ब्राउन सा कर लिया जैसे थोड़ा सा, अब ये सब ठंडे हो जाएंगे फिर हम इनको पीसेंगे। इसको भी डाल देंगे इसमें, अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं जब ये ठंडा हो जाता है। ये ठंडा हो चुका है, अब इसे हम पीस लेंगे। पूरे अच्छे तरह से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इनके करारे हो गए इसके पत्ते, ये सब पीस जाएंगे और ये खराब भी नहीं होगा जैसे। देखिए ये कड़ी पत्ते कितना करारा हो गया, ड्राई रोस्ट। अब इसे हम पीस लेंगे। देखिए मम्मी पीस के लिए आई हैं, देखिए दिखाती हूँ भी आपको। देखिए पूरी अच्छी तरह से पीस चुका है, अब इतना ही बारीक रखना है। इसे हम हमें बॉल में निकाल के रख लेंगे, आपको इसको ऐसे ही पीसना है बारीक। काफी अच्छा ये चना मसाला है, घर के पीसे हुए मसालों की तो एक अलग ही बात होती है। और अगर आप मसाले पहले से पीस के रख लेते हैं तो जब आप कुछ भी सब्जी या जैसे चने या कड़ी वाला बनाते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है बनाने, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन मसालों की वजह से जो पहले से बने हुए रहते हैं। हमने जितना सामान लिया था उसका इतना मसाला बना है, अब इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच में अमचूर पाउडर, टेबल स्पून डाली है मम्मी ने, एक चम्मच काला नमक, 1 चम्मच काला नमक डाल दी। आपको सबको मिक्स करना है अच्छी तरह से, ऐसे आप किसी एक जार में भर के रख लीजिए। इसकी स्टेम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखिए अब हमारा पूरा चना मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए अच्छा लग रही है ये चना मसाला, ये एक हमने छोटे से बाउल में इसको निकाल दिया चने मसाले को, देख कितना अच्छा लग रहा है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो कि हम घर पे चना मसाला कैसे बनाएं, तो आप भी बताइएगा और हमें बताइएगा कि आपका चना मसाला कैसे बना और आपको ये चना मसाला कैसे लगा। तो ये कितने दिन तक चल जाएगा चना मसाला? आपका आराम से चलेगा, और एक भी भुने में मसाले हैं, घर का बना हुआ खराब नहीं होगा ये। तो इसको कहाँ पे रखना है, हमें बंद करके फ्रिज में या नॉर्मल? बाहर रखना है इसको, नॉर्मल जैसे आप मसाले रखते हैं वैसे रखना है। आप बस ये हमारा छोटा सा ये बॉल है, इसमें ऐसे रख दो, इसमें ढक्कन लगा के, और जब हम यूज करना है जब आप यूज करिए, आप जब ज्यादा छोले बना रहे हैं तो 2 चम्मच, अगर आप कम बना रहे हैं तो 1 चम्मच, मतलब आप जब टमाटर प्याज वगैरह भूनते हैं जब ये आराम से डाल सकते हैं ऐसे 1.5 चम्मच, बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, आशा है आपको पसंद आई। आज की वीडियो की हम घर पे चना मसाला ही कैसे बना सकते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है चना मसाला। तो आप भी इसको बनाना और हमें बताना आपका चना मसाला कैसे बना। तो ये थी आज की मम्मी की वीडियो, मम्मी की रसोई की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो।
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय।